पवन जी भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम, जय गो माता जी। जय गो माता भाई साहब। आज थार पार्कर लेके आए हो जी, श्वेत सुंदरी। हाँ जी हाँ जी, बहुत लंबे टाइम बाद दिखी है जी आपके पास थार पार्कर। हाँ जी हाँ जी, पीछे काफी वीडियो लगाए थे आपने। हाँ, जिसमें लगभग 10-10 गाय एक साथ थार पार्कर दिखाते थे। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद एक अच्छी गाय आज देखने को मिली है। हाँ जी, उम्मीद करूंगा दर्शक पूरा वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि थार पार्कर पर ही अटक के रह जाए। नहीं नहीं, बाकी गाय और भी है जी, सही बार दिखाई दे रही है तो हर बार है जी। हाँ, जो मन पसंद है वो मिली अब की बार जी। मिली अब की बार, हर व्हाइट कलर की थार पार्कर नहीं होती जी। हाँ, उस हिसाब के जो प्योर थार पार्कर लेके आए हैं। हाँ, तो प्योर ही है जी, प्योर ही है। हाँ जी, तो प्योर वाले दर्शक जी बार बार कमेंट करते हैं सही असली थार पार्कर दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, तो जिसको असली देखनी है वो आज देख ले, आज देख ले जी। इसको देखेंगे तब पता चलेगा कि थार पार्कर कैसी होती है, नकली क्या होती है, असली और नकली का फर्क इसके साथ कंपैरिजन करके देख लें। हाँ जी हाँ, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा जी। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे। में जो देसी गाय होती है ना जी। हाँ, जो राजस्थान की मेन जो देसी नस्ल। हाँ, वो भी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की होती है। थार पार्कर अलग है, वो देसी अलग, देसी अलग है। हाँ जी, ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे। हाँ, एक एक गाय को चलाकर देखेंगे, साथ ही दर्शकों के साथ इन गायों की पूरी डिटेल भी शेयर करेंगे। हाँ जी हाँ, आप व्यूअर्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी गायों के बारे में जानकारी भाई साहब से ले लेते हैं। तो पवन जी भाई साहब, आपका यहाँ का सबसे पहले एड्रेस शेयर कर दो जी। अपना जी गांव है 19Z, जिला व तहसील श्री गंगानगर। ठीक है, स्टेट अपना राजस्थान है जी। मोबाइल नंबर है जी मेरा 9057815317, 9578115317। एक जो दूसरा है जी 9680568500 जी। ठीक है, दोनों व्हाट्सएप पर है। हाँ, और दोनों ही कॉलिंग पर है, कॉलिंग पर है। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, स्क्रीनशॉट भेज के आप पूरी डिटेल पा सकते हैं जी। ठीक, जो भी गाय आपको पसंद आए। हाँ, कुछ डिटेल है आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी, अभी ले लेते हैं जी एक एक करके जानकारी। सबसे पहले जो एक नंबर पे थार पार्कर बंधी हुई है। हाँ जी हाँ जी, इसी के बारे में जानकारी दे दो जी। ये जी ब्रीड तो आपके सामने है जी। हाँ, और सेकंड ब्यांत में। हाँ, लगभग जयपाल जी इसको 20 दिन अभी बाकी है जी। चिलचिलाती गर्मी है जी। हाँ जी, ऐसी गर्मी ऐसी उमस तो तमिलनाडु में भी नहीं होगी, नहीं होगी जी, जैसी यहाँ राजस्थान में अभी देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी भी 42-45 डिग्री का टेम्परेचर है। बिल्कुल, और ऐसे में गाय देखिए खड़ी भी है शांत और जुगाली कर रही है, जुगाली निकाल रही है जी। तो ऐसा स्वभाव देखने में आता है जी, जब दर्शक देखते हैं वो कहते हैं जी मैं तेलंगाना से हूँ, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ, यहाँ गर्मी बहुत रहती है। हाँ जी हाँ जी, हमारे यहाँ सेट हो जाएगी क्या गाय? बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं जी, कहीं भी सेट हो जाएगी। गर्मी और सर्दी तो जयपाल जी इसके कोई सेहत पे असर ही नहीं है। हाँ, 1% भी। हाँ, कितनी गर्मी हो जाए चाहे। हाँ, कितनी सर्दियों में जैसे रेत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो इनके वो चीज नहीं है कि ठंडी होगी तो सिकुड़ना वो करना। बिल्कुल, रेत के दौरों में तो ये बैठी रहती है जी, रात को बैठी रहती है जी। हाँ जी, कंप्लीट डिटेल दे जी, ब्यांत कौन सा है? सेकंड ब्यांत में है जी। हाँ, और फर्स्ट ब्यांत में लगभग इसका जी 13-14 लीटर दूध था जी। अब की बार क्या उम्मीद करोगे जी? अब की बार जयपाल जी बाकी तो परवरिश पे है। हाँ, उम्मीद है जी 14-15 हाँ, अच्छी सेवा होगी। हाँ, तो प्लस कर जाएगी असली दूध क्षमता तो यही रहती है जी। अपने 14 लीटर ही कह के देंगे, आप 14 लीटर बोल के दोगे। हाँ जी, बाकी जी आगे वाले की परवरिश पे। हाँ, और किस्मत पे, किस्मत पे जी। दूध और पूत कहते हैं जी किस्मत का होता है, किस्मत से। तो किस्मत अगर अच्छी होगी। हाँ जी, आपके घर पे वफा देगी गाय, जल्दी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, और अच्छे बच्चे देगी। हाँ जी, बच्चे तैयार करे तभी बढ़िया रहेगा जी ऐसी। हाँ, गायों से तो अब बिल्कुल जी बिल्कुल, नस्ल शानदार है। ये तो दूध ना मान के जी, ये तो वो कहते नहीं अमृत मान के। हाँ, अगर लीटर भी दे रही है तो। हाँ, आपके बहुत भाग है। हाँ, ये अमृत आपके घर बच्चों के लिए आ रहा है, मिल रहा है। हाँ जी हाँ जी, जहर तो जी थैलियों में बंद करके भिजवा रहे हैं, जितना मर्जी ले हो जी। हाँ, जहर हाँ तो मिल रहा है थैलियों में, पैकेट में बंद करके। हाँ जी, और शुद्ध बोल के देते हैं जी, शुद्ध बोल के देते हैं, ऊपर और लिखा होता है जी। हाँ, गाय का, गाय का जी, गाय का दूध। हाँ, कौन सी गाय का है ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे जी, ये तो उनको खुद को नहीं पता। एचएफ का है, जर्सी का है या। हाँ जी, कई जगह पे तो मैंने देखा है जी बकरियों का, भेड़ का। हाँ जी, ऊंट का दूध भी उसी में मिला के भेज देते हैं, मिला के भेज, क्योंकि छोटे छोटे डेयरी फार्म है जी उनपे मैं देखता हूँ। हाँ, सभी दूध इकट्ठा करके डाल देते हैं। फिर भी जयपाल जी वो भी चलो भी, दूध तो है, दूध तो है। आजकल तो मार्केट में ऐसी चीजें बिक रही है कि दूध उसके नाम निशान ही नहीं है। हाँ, यूरिया, फिर भी वो दूध है, प्योर यूरिया, प्योर यूरिया जी। कीमत क्या रखोगे जी इस गाय की? कीमत जयपाल जी इसकी है जी 75,000-75,000 रुपए। हाँ जी, 75,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी, कुछ दर्शकों को ये कीमत ज्यादा लगेगी लेकिन प्योरिटी के हिसाब से कीमत जायज है। आप व्यूअर्स हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये गाय की कीमत कितनी जायज लगी। हाँ जी हाँ, मेरे हिसाब से जायज है। बिल्कुल जी, बाकी दर्शक खुद समझदार है जी, ऐसे
मान लो जैसी ये गाय है ब्रीड करेक्टर्स के हिसाब से बिल्कुल अंडे जैसी वाइट जी, तो ऐसी गाय हर रोज मिलती नहीं जी, पैसे देने से भी नहीं मिलती, नहीं मिलती। हाँ जी ठीक है। और जिनके पास है वो देते अगर वो सवाब की ओर की वो बेचते नहीं, चाहे उनको 75 लाख रुपए दे दो तब भी नहीं बेचते, नहीं बेचता जी। दूसरी गाय देख लेते हैं जी आपकी। हाँ जी। ये दो नंबर पर जी फिर बड़े साइज की गाय। हाँ जी। पुट्ठा बहुत शानदार है जी। वही बात आ गई जी, दो नंबर पे एक नंबर की गाय। दो नंबर पे एक नंबर की। हाँ जी। हाँ जी ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल दे दो जी। ये भी जयपाल जी सेकंड लैक्टेशन में ब्याई हुई है जी। नस्ल जी भाई साहब? नस्ल इसकी है जी साहीवाल, साहीवाल में हल्का हल्का सा जी 10% राठी का क्रॉस, राठी भी मिक्स है। हाँ जी। हाँ जी ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, राठी और साहीवाल दोनों ही नस्लें भारतीय दुधारू नस्लें हैं, दुधारू नस्लें, दोनों का मिक्स होना नेचुरल है, नेचुरल है क्योंकि ये एक साथ रहती है गाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दे दीजिए कौन सा ब्यांत है। शक्ति आप इसकी भी देख पा रहे हो। हाँ। जी अपने से आपसे और हमसे नहीं खड़ा जा रहा। हाँ। और ये देख लो जी बिल्कुल शांत खड़ी है, शांत खड़ी, जुगाली ये भी कर रही है जी। हाँ जी हाँ जी। तो गाय तो ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रेस में नहीं है, तनाव में नहीं है, तनाव में नहीं है जी। कौन सा ब्यांत है जी? सेकंड ब्यांत में ब्याई हुई है जी, साथ में इसके मेल काफ बछड़ा है जी, बछड़ा है। हाँ जी। आज 6 दिन की 6ठा दिन है लगभग इसको ब्याई को, और इसने दूध लगभग 10 से 1 लीटर 10-11 लीटर जो खीस तोल के देखने वाला जी, वो तैयार है। हाँ जी। लीटर अच्छा। वाला नहीं, तोल के देखने वाला, तोल के लीटर कांटे वाला, 15 लीटर तैयार कर लो चाहिए, कांटे वाला है। हाँ जी। बिना जाग वाला, बिना जाग वाला जी। ठीक है जी। और उम्मीद है इसे 15-16 लीटर की, 15-16 लीटर की, जो कि आप देख लो जी ऑर्डर देखते हुए पीठ पुट्ठा देखते हुए बिल्कुल जायज है जी। ठीक है। कीमत क्या है जी? इसकी कीमत है जयपाल जी 65,000 रुपए लेनी देनी। 65,000 रुपए। हाँ जी। फाइनल प्राइस? फाइनल 65,000 रुपीज। 65,000। ठीक है जी भाई साहब। अगली गाय देख लेते हैं आपकी, तीसरे नंबर वाली। देखो जी 3 नंबर पे आ गई जी। हाँ इसकी जी। नस्ल शेयर कर दो जी। ये जयपाल जी मीनी, मीनी इसके सींग हिलते हैं, कान हिलने से भी हिल जाएंगे जी। कान नहीं जी, सींग। अच्छा सींग हिलते हैं। हाँ सींग, कान हिलने से भी हिलते हैं जी। कान हिलने से भी सींग हिल जाते हैं। वही मीनी होती है जी। वही मीनी होती है जी। कंप्लीट डिटेल दे दो जी इसकी। ये सेकंड ब्यांत में ब्याई हुई जयपाल जी, लगभग ब्याई को इसको 7-8 दिन हो गए जी। 7-8 दिन की ब्याई हुई है। ठीक है जी। और क्या बच्चा लिया है जी? बच्चा इसके जी मेल काफ बछड़ा, बछड़ा इस गाय के साथ। और जयपाल जी इसकी एक और खासियत है जी, ये अपने पास ही ब्याई थी जी। हाँ। और दूध देते देते ब्याई है जी। दूध देते देते ब्याई। हाँ जी। बिल्कुल लास्ट टाइम तक दूध निकाला है जी हमने। हाँ। और उसी दिन इसने बच्चा दे दिया, बच्चा दे दिया। मतलब ब्याने तक दूध देने वाली गाय है तक जी, बिल्कुल। और ब्याने तक भी इसका लगभग 3 लीटर जैसा दूध था जी। हाँ जी ठीक है। पतली चमड़ी की गाय है जी, सेकंड ब्यांत में ये ब्याई है, और साथ में इसके मेल काफ है जी, बछड़ा है। कीमत इसकी है जी 52,000 रुपए। 52,000 रुपीज। हाँ जी, 51 में देनी है जी, लास्ट फाइनल 51 में देनी है। 51 में देनी है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब। 4 नंबर पर जी। हाँ जी। शानदार है जी गाय आपकी। 4 नंबर पर गाय है जी, पहले ब्यांत की है। हाँ। मुंह से दोंदी है जी। हाँ, दो दांत। हाँ जी, दो दांत है जी। और ब्याई हुई है, ब्याई को लगभग 7-8 दिन हो गए जयपाल जी। काफ क्या भाई साहब इसके साथ? फीमेल काफ है जी, बछड़ी है। हाँ जी। गाय ये पहले ब्यांत की बता रहे हो? आज जयपाल जी 6 गाय दिखा रहे हैं। हाँ। 2 प्रेग्नेंट है, 2 के साथ बछड़े, 2 के साथ बछड़ियां जी। अच्छा। हाँ जी। 2 प्रेग्नेंट, 2 बछड़ी वाली, 2 बछड़े वाली, बछड़े वाली जी। ये क्लियर डिटेल है, क्लियर डिटेल है जी। ठीक है जी। इसके साथ बछड़ी है जी। हाँ। ब्याई को 7-8 दिन हो गए जी। और लगभग इसने ये 9-10 लीटर रेडी कर रखा है खीस। ये भी स्ट्रेस में नहीं है जी, देखो जुगाली कर रही है, ये बड़ी शांत है। बिल्कुल जी। देसी गाय वैसे भी शांत रहती है। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी गाय ऐसी धूप के अंदर भी। हाँ जी। शांत खड़ी हुई है, तो ये काबिले तारीफ है। क्रॉस की गाय हम लेके नहीं आते जिसमें हल्का सा भी कोई HF या जर्सी क्रॉस हो। अपने बहुत ही कम, मान लो जी कोई ज्यादा कहे, माथे से देखिए पसीना टपक रहा है। बिल्कुल जी। और गाय देखिए क्या शांत स्वभाव में जुगाली कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इन गायों का नेचर है जी, नेचर है, रहने का ढंग है, रहने का। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ता जी। दूध कितना रेडी है जी? दूध लगभग इसके 9-1 लीटर जी तैयार है। हाँ, कितना और दूध बना लेगी? दूध इसने जयपाल जी 12 लीटर के समथिंग देना है जी। ठीक है। हाँ जी। और आपकी मस्त क्या लोगे जी? है, साथ में बछड़ी है। कीमत जयपाल जी इसकी बड़ी रीजनेबल है जी, ओनली फॉर 32,000 रुपए जी। 32,000? हाँ जी। 32,000 रुपीज। 32,000 में आज तोहफा दे रहे हैं बछड़ी वाली जी। बछड़ी वाली 32,000 रुपए में। 32,000 रुपए में। ठीक है जी। अगली गाय और देख लेते हैं आपकी, 5 नंबर पर। देखो जी ये 5 नंबर पर जी, इसकी और नस्ल शेयर कर दो जी भाई साहब। ये भी साहीवाल में है जी। साहीवाल। हाँ जी। अलर्ट मोड में है जी ये भी। हाँ जी हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दे जी। ये जयपाल जी थर्ड ब्यांत में ब्याई हुई है जी। और
अच्छा, अंडर साइज भी अच्छा है जी, और टीट्स में स्पेस वगैरह बिल्कुल एक नंबर है जी। साथ में इसके फीमेल काफ है जी, बछड़ी है इस गाय के साथ। इसको ब्याई को लगभग जयपाल जी 9-8-9 दिन इसको हो गए जी। हाँ जी, ठीक है। दूध कितना रेडी है? लगभग यही 11-12 लीटर रेडी कर रखा है। 11-12 लीटर रेडी है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। 11-12 लीटर की अगर कोई मिल्किंग देखना चाहे तो भाऊ जी, चार समय गाय कोई भी अपने से खरीदे, 10 मिनट का टाइम आप जरूर निकालो, मिल्किंग करो, मिल्किंग के बाद ही आप गाय लो जी। गाय लो? हाँ जी, ठीक है। अगर टाइम हो तो आप आओ, अगर नहीं टाइम है तो वीडियो कॉल वाला टाइम तो जरूर निकालो, वीडियो कॉल वाला टाइम जरूर, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है और उस जिंदगी में से 10 मिनट जरूर से निकाल लेने चाहिए। 10 मिनट जरूर से, नहीं जी, बाद में पछताने से अच्छा होता है जी। हाँ। कि यार मैंने देखो जी, वीडियो में आज है तो नवा दुला के जिस दिन अपने वीडियो बनाते हैं, नवा दुला के थोड़ी तैयार करके, आप वीडियो कॉल पे देखो, किसी भी समय वीडियो कॉल करो, जैसा पशु है उस समय आपको वैसी स्थिति में मिलेगा। जो सामने है ना जी, अपने वीडियो कॉल में हल्की लो क्वालिटी आती है आपको, जो आप सोच रहे हो उससे लो क्वालिटी आएगी, लेकिन आपके घर जाएगी तब वो अच्छी जाएगी, तो अपने जैसी सोची है उससे बेहतर जाएगी आपके घर। हाँ जी, ठीक है जी। बाकी हमारी इच्छा यही रहती है जी कि आप जैसी सोच रहे हो उससे 21 ही आपके पास पहुँचे, घर पे पहुँचनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कीमत क्या रहेगी जिस गाय की? कीमत इसके लिए जयपाल जी 35 की दे दूंगा जी, 35,000 रुपए। 35,000 रुपए की लास्ट फाइनल है जी? फाइनल है जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी, आज के वीडियो की ये फिर से लास्ट गाय है जी। हाँ जी, नस्ल बता दो जी भाई साहब। नस्ल जयपाल जी साहिवाल। साहिवाल? हाँ जी। ये जो दर्शक देख रहे हैं सभी ने नोटिस कर लिया होगा कि गाय सारी की सारी जुगाली कर रही है जी, जुगाली कर रही है ऐसी धूप के अंदर। जयपाल जी, स्ट्रेस वाली गाय आपने भी देखा होगा कि अपने पास आके जब तक गाय सेट नहीं होती, 2-4 दिन हमारे साथ घुलती मिलती नहीं, तब तक हम दर्शाते नहीं जी, दिखाते नहीं। वीडियो में लगाने के लिए मेरे पास गाय अभी भी 15 खड़ी है जी, लेकिन अपने 2-4 दिन पशु को देख के, उसका स्वभाव देख के फिर ही आगे देते हैं जी, फिर देते हैं। हाँ जी, क्या डिटेल है कि मैं दिखाऊं आपको, 20 दिखा दूं, 15 दिखा दूं, 5 ही दिखा देंगे, लेकिन टॉप क्लास की दिखाएंगे जी। हाँ जी, क्या डिटेल है सब? ये सेकंड ब्यांत के लिए प्रेग्नेंट है जयपाल जी। प्रेग्नेंट है अभी? हाँ जी। ठीक है जी, दो गाय है आज आपकी प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट दो गाय है जी। क्या डिटेल है भाई साहब दूध की? ये जयपाल जी सेकंड ब्यांत के लिए प्रेग्नेंट है। हाँ। लगभग 15 दिन इसको बाकी है जी। 15 दिन ब्याने में? हाँ, बाकी है। कितने दूध तक चली जाएगी ये जयपाल जी? सेकंड ब्यांत में लगभग 13-14 लीटर निकाल देगी। ठीक है जी। हाँ। और दूध दे रही है जी अभी या ड्राई है? ड्राई है जी अभी, 15 दिन अंडर खुलना शुरू हो गया। हाँ जी, खुलना शुरू हो गया जी। हाँ, ठीक है जी भाई साहब। लास्ट कितने दूध तक चली जाएगी भाई साहब? लास्ट जयपाल जी ये 13 लीटर समथिंग, 13-14 तक। हाँ जी, ठीक है जी। आप 12 मान के लो जी, 12 मान के लेनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, मीडियम कद काठी है। हाँ जी, क्या कीमत रहेगी जी? ये जयपाल जी अपने दे देंगे 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए? हाँ जी, 40,000 रुपीज। 40,000 की बिना सिंगों में, शांत स्वभाव की, टॉप क्लास बछड़ी। आज 6 गाय दिखाइए जी। हाँ जी, और 6 की 6 टॉप है। टॉप है जी, 6 की 6 टॉप है। बड़े बड़े अंडर साइज की गायें हैं, 2 तो बछड़े वाली है, 2 बछड़ियों वाली है और 2 प्रेग्नेंट है जी। हाँ, और एक शुरू में दिखाई है श्वेत कपिला जैसी। हाँ जी, सफेद रंग में थार पार कर, सफेद सोना दे रहे हैं जी आपको। ठीक है जी, शानदार गाय दिखाई जी भाई साहब। उम्मीद करूंगा दर्शकों को भी आपकी सारी गायें पसंद आई होगी। बिल्कुल जी, पसंद बिल्कुल। है तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और ऐसे वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्लिक कर दें जी। और नोटिस करें जी पवन भाई साहब का वीडियो कब आता है, कब आता है जी। और उस समय का भी इंतजार जरूर से करें। जरूर से जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगर कोई शिकायत रहेगी हो तो आप कमेंट जरूर करें जी, कमेंट जरूर से करके बताएं। हर बार की तरह की अगली बार हम सुधार कर पाएंगे, नए तरीके से कुछ और चेंज के साथ, कुछ और सुधार के साथ फिर दोबारा आएंगे। हाँ जी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नयापन आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। व्यूअर्स बताएंगे तो हम लेके आएंगे जी। हाँ, उनकी पसंद क्या है? उनकी पसंद राठी है या साहिवाल, थार पार्कर है या रेड सिंधी? हाँ जी, हाँ जी, लिख के जरूर से बताएं, या फिर यहाँ की देसी जो नस्ल है। और इन 6ों में से आपको कौन सी अच्छी लगी वो भी जरूर बताएं, वो भी जरूर से कमेंट में लिखें। बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता।